अरे पढ़ाई में भाई, मुझे क्या पता तुम्हें किस चीज़ से मज़े आते हैं, मुझे पढ़ाई से आते हैं। सब चीज़ की एक उम्र होती है, उस उम्र से पहले जो मज़े ले लेते ना, बालक सजे बन जाते हैं। ये उम्र तुम्हारी पढ़ाई की ये उम्र तुम्हारी पढ़ाई की उस उम्र में पढ़ाई में मज़े ले लिए तो सही हो जाएगा, और इस उम्र में कुछ और मज़े लिए तो वो बात की सजा बन जाएगी। बता रहा हूँ, मैं सबको देख रहा हूँ, नजरें जा रही है सबसे। तू भाई जमा करा रहा तेरा सर सबसे, अलग बंदा है, हीरा बंदा है। अरे हाँ तेल लगा दो, तेरे पास फैन मारे सर। आपने तो मजे लिए हैं, सजा लग रही है। हाँ ये बेट है, अगर ढंग से उस टाइम पढ़ लेता ना, आज कहीं और ही होता। छोटा सा इंस्टीट्यूट आया था, बड़ा ही होता है, कुछ बड़ा तो होता है जब उठना पड़ता है। चलो खैर, मजे मैंने ज़्यादा लिए अपना टाइम पे, पढ़ा नहीं था मैं 11th 12th में ज़्यादा। चलो ये आपके पास क्या बना रहा है, इंसिडेंट एंगल। ये वाला एंगल क्या हो गया आपके पास, आर वन। ये वाला एंगल आर वन, ये वाला एंगल कितना हो गया बेटा आपके पास R2, और ये वाला एंगल कितना हो गया हमारे पास, चलो इसे I1 मान लेते हैं, इसे I2 मान लेते हैं, जिसको आप लोगों ने एमरजेंट एंगल बोल रखा है। यहाँ तक चीजें क्लियर है बेटा, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, ठीक। अब मैं यहाँ पर एक स्नेल सा लगा देता हूँ, यहाँ पर मैं स्नेल सा लगा देता हूँ। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज समझा देता हूँ। इसका एयर मानूंगा मीडियम के बाहर, अगर मुझे चीज नहीं दी है कि इसका मीडियम क्या है तो मैं एयर मान के चलूंगा। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं म्यू मान लेता हूँ। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बेटा मेरे पास, म्यू, राइट। अब मैं अगर आप लोगों को यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगा के दिखाता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा पहले देखते हैं। यहाँ पे आएगा म्यू वन ऑफ साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू टू ऑफ साइन आर। भाई आर की जगह पर मैं आर वन लिख सकता हूँ और म्यू टू की जगह पर मैं म्यू लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने जो प्रिज्म है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या माना है बेटा, म्यू माना है। तो यहाँ पर हमारे पास म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर वन आ जाएगा। और इस सरफेस के लिए यहाँ पर, अच्छा पहले उस सरफेस पर जाने से पहले देखो, एंगल आपके पास क्या है, थिन प्रिज्म है तो सारे एंगल्स क्या होंगे, काफी छोटे होने वाले हैं। तो साइन आई किसके इक्वल हो जाएगा, आई के इक्वल हो जाएगा बेटा, बताया था मैंने ये चीज, टेन आई आई के इक्वल हो जाएगा, साइन आई इक्वल हो जाएंगे। साइन और टेन भी आपस में इक्वल हो जाते हैं जब बहुत छोटे एंगल होते हैं ऐसे केस में। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो म्यू वन आई इज इक्वल टू म्यू आर वन। म्यू वन क्या है, एयर। म्यू वन क्या है, एयर। तो एयर का इफेक्टिव इंडेक्स वन, तो यहाँ पर हमारे पास क्या जाएगा, आई इज इक्वल टू म्यू आर वन। क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब इस सरफेस पे आ जाओ, इस सरफेस पे होगा म्यू इंटू आर टू, क्योंकि इंसिडेंट एंगल अभी बनेगा, स्नेल्स लॉ लगाना तो आता है इतना तो हम लोगों को। तो इस सरफेस के लिए म्यू इंटू आर टू बराबर म्यू वन इंटू साइन ऑफ आई टू, म्यू इंटू साइन ऑफ आर टू इज इक्वल टू दिस। क्लियर, अब म्यू वन एयर, साइन साइन खत्म, तो यहां से आप आई टू कह सकते हो सिंपल, I2, भाई इस पूरे को I2 लिख दो ना, म्यू वन एयर है, साइन I2 सिर्फ I2 के इक्वल होगा क्योंकि एंगल छोटा है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा I2 is equals to साइन R2 को, सिंपल R2 is equals to म्यू ऑफ R2। यहाँ से आप लोगों को I1 और I2 की वैल्यू क्लियर है, किसी भी बच्चे को कोई डाउट है नहीं है। अब डेविएशन देखो हमारे पास, भाई ये हमारे पास ये डेविएशन इधर जा रही थी डेल्टा में, और दूसरी डेविएशन जो नॉर्मल से गई वो हमारे पास ये वाली थी डेल्टा टू, ये मैंने आप लोगों को पहले करा रखा है, राइट। तो ओवरऑल डेविएशन, जो नेट डेविएशन होगी बेटा, क्या बोल रहा हूँ, जो नेट डेविएशन होगी ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। देखो कई जगह पर ऐसे बोल देते हैं कि अगर डेल्टा वन ऊपर जा रहा है डेल्टा टू नीचे जा रहा है तो आप डेविएशन को प्लस करना, क्योंकि ऐसे एंगल बढ़ेगा। पर अगर डेल्टा वन ऊपर जा रहा है और डेल्टा टू भी ऊपर जा रहा है, ऐसे केस में आप नेट डेविएशन को माइनस कर देना। ये बात ठीक है, मना नहीं करूंगा, बट वो माइनस क्यों करते हैं हम लोग आगे समझें। अभी के लिए मैंने आप लोगों को ये बताया टोटल डेविएशन प्लस, और मैं आपको आगे भी यही बताऊंगा कि जब भी आपको टोटल डेविएशन निकालना है आप लोग हमेशा प्लस ही करेंगे।
अच्छा यहाँ पर डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, डेल्टा वन हमारे पास कितना आ जाएगा, ये डेरिवेशन है, अगर मैं आई वन में से आर वन को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा बेटा डेरिवेशन, ठीक है। तो इस पूरे आई वन में से डेल्टा वन इज इक्वल टू आई वन माइनस आर वन, और डेल्टा टू क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास पूरे आई टू में से अगर मैं सिंपल आर टू माइनस कर दूंगा, देखो इस पूरे में से अगर ये माइनस करूंगा तो मेरे पास ये वाला एंगल मिल जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू आई टू माइनस आर टू। ओवरऑल डेरिवेशन हमारे पास ये था, इस वैल्यू को इनकी वैल्यूज को इसमें पुट कर रहा हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे आई वन माइनस आर वन प्लस आई टू माइनस आर टू, यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा डेल्टा की वैल्यू, ओवरऑल डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू को मैं डेल्टा लिख रहा हूँ, ठीक है, तो आई वन प्लस आई टू इंटू सॉरी माइनस बाहर ले लो आर वन प्लस आर टू आ जाए, लिख सकते हैं इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब R1 plus R2 क्या था बेटा हमारे पास A था, तो R1 plus R2 ये आप लोगों ने कर रखा है, ये हमने कर रखा है R1 plus R2 A के बराबर होता है, और I1 को क्या लिखा था मैंने mu R1, I2 क्या लिखा था mu R2, तो यहाँ पे मेरे पास डेल्टा की वैल्यू कितनी आ जाएगी mu R1 plus mu R2 minus R1 plus R2, ठीक है। तो देखो बेटा ये कहानी ऐसी है, अब यहाँ से मैं आर एन प्लस आर टू और यहाँ से भी आर एन प्लस आर टू, पहले तो म्यू कॉमन ले लेते हैं यार, ये बचा म्यू इधर से बाहर ले लिया और आर एन और आर टू सबसे बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस वन, आर एन प्लस आर टू तो बाहर ले रहा वन ही बचा सिंपल, तो हमारे पास कितना आ गया आर एन प्लस आर टू कितना हो गया ए, तो ये कितना आ जाएगा ए इंटू म्यू माइनस वन, ये आपके पास क्या आ जाएगा किसी भी प्रिज्म के लिए, थिन प्रिज्म के लिए जो आपके पास ओवरऑल एंगल ऑफ डेविएशन आता है वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है, एक तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर और दूसरा एंगल ऑफ प्रिज्म, समझ में आ गया, ये किसके लिए है फॉर, ये सारी कहानी किसके लिए है बेटा थिन प्रिज्म्स के लिए, ठीक है, फॉर थिन प्रिज्म्स, ये कहानी आप लोगों के पास चलेगी, कोई डाउट बेटा ये ना, हाँ। ये तो मैंने आपको डेरिवेशन करके दिखाई है, उसकी जरूरत नहीं, नहीं जरूरत नहीं पड़ेगी है ना, लेकिन अगर आप लोगों से I1 I2 की टर्म्स में दे रखा है आपको नहीं पता तो आपको समझ में आना चाहिए कि हम लोगों ने कहाँ से क्या निकाला है, बस इसलिए मैंने आप लोगों को पूरी डेरिवेशन करके दिखाई, क्लियर। अच्छा अब मैं अगर आप लोगों से बताना जरा मेरे को रिफ्लेक्शन इस एरिया में पड़ रहा होगा बोर्ड यहाँ तो नहीं पड़ रहा, ठीक अब देखो जरा डेल्टा की वैल्यू क्लियर हो गई। अब बेटा मैं आप लोगों को कह रहा हूं एक नए फेनोमेना से इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं जिसका नाम क्या है डिस्पर्शन। क्या होता है बेटा डिस्पर्शन, आज तक हम लोगों ने पढ़ा है द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इन सेवन कलर इज कॉल्ड डिस्पर्शन। अगर मैं ये बात बोलूंगा तो बेटा कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलत भी है, ठीक है, क्यों, एक्चुअल में सिर्फ सात कलर नहीं होते, वो तो सात कलर वो हैं जो हमें दिखते हैं, कलर्स तो वहां पे इनफाइनाइट होते हैं। अब सर इनफाइनाइट कैसे हुए, आइए देखते हैं। आप लोगों को ये बात तो पता है पक्का कि हमारे पास जो विजिबल रेंज होती है ईएम वेव्स में भी आप लोगों ने पढ़ी रखा होगा, विजिबल रेंज लाई करती है 400 से लेकर 700 नैनोमीटर तक, यानी कि 400 से लेकर 700 नैनोमीटर तक जो वैल्यू लाई करेंगी वो सारी हमारे पास इन किसी ना किसी कलर के कॉम्बिनेशन को कलर दे रही होगी, है कि नहीं। अब जैसे दुकान पे जाते हैं अपनी बंदी के साथ गए तुम दुकान पे, है ना, उसने कहा कि मुझे ना रेड टॉप लेनी है, तो तुम अगर रेड टॉप उसे दिलाओगे तो कहा ये देखो लाल है, मैं तो भाई ये भी लाल है, कहते नो नो इट्स डीप रेड, मुझे टमेटो रेड चाहिए, है बेटा कार्तिक आर्यन का डायलॉग, अरे जिसका अभी करते तो ऐसे ही है, कहने का मतलब ये है कि ग्रीन चाहिए, ये ग्रीन नहीं आर्मी ग्रीन, पैरट ग्रीन, डीप ग्रीन, ग्रीन ग्रीन है भाई अपने लिए, है ना, तो बेबी पिंक। तो कहने का मतलब क्या है कि गलती उनकी नहीं है, उन्होंने फिजिक्स का पूरा इस्तेमाल किया है, क्या एक्चुअल में 400 से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच जो विजिबल रेंज है इसमें सारे कलर्स हैं, तो देखो कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है 400.1 400.01 400.001 से लेकर 700 तक इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बन सकती है। तो इसीलिए अगर डिस्पर्शन की सही भाषा आएगी तो आएगी स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट्स इनटू
इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्शन। सेवन कलर्स लिख देते हैं बट वो सही नहीं है। सेवन कलर्स क्यों लिखते हैं कि हमें जो जनरली अपनी आंखों से देख पाते हैं वो कितने होते हैं, सिंपल सात कलर, जिसको हमने किस में बांट रखा है, विबग्योर में। ठीक है बेटा, अब मैंने आप लोगों को जब लेक्चर करा रहा था रिफ्रैक्शन का, तब एक चीज पढ़ाई थी, जिस भी बॉडी का लैम्डा ज्यादा होगा उस बॉडी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। ये बात तो मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी बेटा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक फॉर्मूले से कि जिस बॉडी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसका डेविएशन भी कम होगा, क्योंकि तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये चीज आप लोगों को अब समझ में आ जानी चाहिए, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसकी डेविएशन भी कम। ये बात तो क्लियर है। अब यहां पर मैं डिस्पर्शन बोला तो मैंने आपको बताया कि द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्शन। दूसरी चीज, अगर आप लोगों से ऐसे कहा जाए कि भाई ये हमारे पास लाइट लगी, अब मैं यहां पर नॉर्मल बनाऊंगा, तो इस नॉर्मल पर बेटा मान के चलो एक लाइट ऐसे गई और एक लाइट ऐसे गई। बेसिकली ये मैंने कह दिया, देखो ये वाली लाइट कौन सी होगी और ये वाली लाइट कौन सी होगी, ये आपको समझने की जरूरत है। एक्चुअल में तो ये वाली जो लाइट होगी बेटा, ये लाइट कौन सी होगी, रेड कलर की लाइट होगी। आप लोगों ने आज तक जो स्पेक्ट्रम पढ़ाया वो क्या पढ़ाया, वी आई बी जी वाई ओ आर, यही पढ़ाया। लेकिन जब भी प्रिज्म का केस देखा होगा तो उसमें विबग्योर उल्टा लिखा हुआ देखा होगा, नीचे से ऊपर लिखा हुआ दिखा होगा। यानी कि प्रिज्म के लिए जब आप देखेंगे तो विबग्योर का जो सीक्वेंस आएगा वो ऐसे आता है। अब ऐसा क्यों आता है, आज तक आप लोगों को एक चीज तो थर्ड क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, व्हाई डेंजर सिग्नल्स आर कैप्ट रेड, क्यों रेड रखे जाते हैं, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा, फ्रीक्वेंसी बोल रहा है बैठे बैठे, नशे में बारहवीं में है तू। तो बेटा कहने का मतलब है रेड लाइट की बेटा वेवलेंथ ज्यादा होती है, ठीक है, तभी तो आपको बेटा फॉगी कंडीशन हो या कोई भी डेंजर सिग्नल है वो दूर से ही दिख जाते हैं, क्योंकि उनकी वेवलेंथ ज्यादा है। अब जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। अब ये बात तो पता है मुझे कि इसकी वेवलेंथ अगर ज्यादा है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, इसकी डेविएशन भी कम होगी। तो देखो ये लाइट इधर जा रही थी, नॉर्मल केस में इधर जाती, पर इससे जो ये डेविएशन ये कम है और वॉलेट का डेविएशन ज्यादा दिख रहा है, समझ में आया। तो ये जो हमारे पास डेविएशन आया किसका, रेड का और वायलेट का, हमें कैसे पता पड़ा कि ये रेड है, क्योंकि इसका जो डेविएशन है वो वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, और जिसकी जो वेवलेंथ है वो हमारे पास क्या है बेटा कम, उसका डेविएशन क्या होगा हमारे पास ज्यादा। वेवलेंथ कम तो डेविएशन ज्यादा, तो वायलेट का वेवलेंथ कम था इसकी डेविएशन ज्यादा, तो जो हमारे पास इससे कलर निकलेगा वो इधर निकला वायलेट और इधर क्या निकला बेटा हमारे पास रेड। यहाँ पे वी आई बी जी वाई ओ आर ये ऐसे फिल्ड किया जाता है, विबग्योर जो मैंने आपको अरेंजमेंट बताया उसको इस तरीके से दिखाया जाता है। सारी कहानी क्लियर है अब तक। दूसरी चीज बेटा याद रखना कि जो आपके पास डिस्पर्शन है, यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ लाइट बेटा, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इंटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर, डोंट से प्लीज सेवन कलर्स, राइट। सो ये जो फंडा होता है बेटा ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फेज ऑफ द प्रिज्म पे होता है, सेकेंड फेज पे केवल और केवल रिफ्रैक्शन पाया जाएगा, लेकिन कोई भी डिस्पर्शन उसके केस में नहीं पाया जाएगा। अमीरों के फोन बज रहे हैं भैया, ठीक है बंद कर ले, साइलेंट कर ले, ठीक है। अच्छा अब सुनो, आप सुनो, वी आई बी जी वाई ओ आर हो गया, क्लियर। अब आगे हमारे पास कहानी क्या होने वाली है कि इसका भी कुछ ना कुछ डेविएशन रहा होगा, इसका भी कुछ ना कुछ डेविएशन रहा होगा। अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से, ये जो हमारे पास डेविएशन प्रोड्यूस हुआ है ये वाला, किस किस के बीच में, बिटवीन वॉयलेट एंड रेड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्पर्शन। तो व्हाट इज एंगुलर डिस्पर्शन, द एंगल बिटवीन द डेविएशन ऑफ किस किस का बीच का, वॉयलेट एंड रेड इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्शन, जिसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे बेटा, थीटा से। किससे डिनोट करेंगे, थीटा से, एंगुलर डिस्पर्शन, समझ में आया। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चा कि जो मेरा थीटा होगा ये बराबर होगा डेविएशन ऑफ वॉयलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड, क्योंकि वॉयलेट केस में डेविएशन ज्यादा है,
बेसिकली तो जो हमारे पास एंगल आएगा, ये देखो ध्यान से, ये नॉर्मल लाइट है, ये वाली जो लाइट बैंड हुई है ये मेरे पास आएगा डेविएशन ऑफ रेड, और ये जो बड़ा वाला एंगल आया यहां तक का, ये आएगा मेरे पास डेविएशन ऑफ वॉयलेट। इसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूंगा तो मुझे पक्का भी वॉयलेट माइनस रेड के बीच का एंगल मिल जाएगा, और उसी को मैं क्या बोलूंगा बेटा, एंगुलर डिस्पर्शन। क्लियर है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब अगर आपको इसमें कोई डाउट नहीं है तो यहां पर एक चीज और बता देता हूं, एक वैल्यू होती है मीन वैल्यू। क्या होती है? मीन वैल्यू ऑफ लाइट। देखो एक्चुअल में तो हमारे पास ये जो मीन वैल्यू ऑफ लाइट होती है, आपको पता रहना चाहिए कि ये हमारे पास येलो होती है। सर वैसे तो ग्रीन होनी चाहिए थी, तीन ऊपर तीन नीचे, पर येलो की वाली है। बेटा एक चीज ध्यान से देखो ना, मीन का मतलब ये थोड़ी है कि तुम लोग बिल्कुल बीच में निकाल रहे हो, वैल्यू को भी तो देखो ना। वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू काफी ज्यादा है, इसकी कम है। भैया जो नेट वैल्यू है वो इसी की तरफ फेवर करेगी ना, वेवलेंथ भी तो इसकी ज्यादा है, वेवलेंथ रेड की ज्यादा है, जब जिस तरफ झुकाव ज्यादा होगा मीन भी तो उसी तरफ झुकेगा, रेड का वेवलेंथ भी काफी ज्यादा है, तो इसलिए जो मीन कलर आता है हम लोगों को अगर कहीं पर दिया ना हो तो हम लोग क्या लेते हैं बेटा, उसको येलो कलर लेते हैं। ठीक है, अच्छा तो अब ये जो हमारे पास येलो कलर आया, इसके लिए अगर मेरे को वैल्यू निकालनी पड़े और ना दियो तो बेटा एवरेज कैसे निकालेंगे? डेल्टा आर प्लस डेल्टा वॉयलेट डिवाइड बाय टू, ये किसका आ जाएगा? डेविएशन ऑफ येलो कलर। तो वाई येलो, क्योंकि ये हमारे पास क्या है बेटा, मीन डेविएशन। वॉट इज डेल्टा वाई? इट इज द मीन डेविएशन। और मीन डेविएशन क्या होती है बेटा हमारे पास? इट इज द मीन ऑफ रेड टू दैट ऑफ वॉयलेट। क्लियर है? अब यहां पर हम लोगों ने एंगुलर डिस्पर्शन पढ़ लिया, सब पढ़ लिया। आगे जो हमारे पास आता है वो आता है डिस्पर्सिव पावर। क्या आता है? डिस्पर्सिव पावर। अब ये डिस्पर्सिव पावर होती है बेटा, ये हमारे पास क्या होती है एक्चुअल में? जो हमारे पास डिस्पर्सिव पावर होती है बेटा, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कई किताब में पी से किया है, कई किताब में ओमेगा से किया है, आपकी मर्जी है अपनी, आप जिससे भी रिप्रेजेंट करना चाहें आप उससे कर सकते हैं, मुझे इस बात में कोई शिकायत या दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओमेगा की जो वैल्यू होती है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन। किस किस के बीच का रेशियो है बेटा? ये एंगुलर डिस्पर्शन to that of mean deviation। समझ में आ रहा है? यानी कि ये हमारे पास रेशियो है किसका? एंगुलर डिस्पर्जन का। किसके साथ? मीन डेविएशन का। एंगुलर डिस्पर्जन हमारे पास क्या था बेटा? थीटा। यानी कि ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा बाय डेल्टा, बट डेल्टा किसका? मीन डेविएशन का, यानी कि येलो का। और थीटा हमारे पास क्या आया था बेटा? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा वाई। ये क्लियर है? अच्छा अब डेल्टा का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे देखिए क्या आता है, ए इंटू म्यू माइनस वन आ रखा है। तो अब यहाँ पर हम लोग कैसी वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ओमेगा इज इक्वल्स टू डेल्टा वी को मैं लिख सकता हूँ म्यू ऑफ वॉयलेट माइनस वन इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म माइनस, इसको मैं लिख सकता हूं म्यू ऑफ रेड माइनस वन इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म अपॉन म्यू ऑफ येलो माइनस वन इंटू में एंगल ऑफ प्रिज्म, लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो माइनस वन माइनस म्यू आर माइनस माइनस प्लस वन, ब्रैकेट खोलूंगा माइनस वन प्लस वन कट जाएगा, ए तीनों में कॉमन आ रहा है तो ए भी कट जाएगा। तो बेटा जो मेरे पास नेट वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी म्यू वॉयलेट माइनस म्यू ऑफ रेड अपॉन में म्यू ऑफ येलो माइनस वन, ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा, आपके पास डिस्पर्सिव पावर की वैल्यू आ जाती है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आपसे यहाँ पे भी पूछ रहा है ये कितनी वैल्यू है तो यहाँ पर ये भी आ जाएगा आपके पास। देखो अगर ये वाली वैल्यू पूछता है कांगे ये थीटा, तो यहाँ पर भी आप डायरेक्ट कर सकते हो कि एंगुलर डिस्पर्शन हमारे पास होता है ये वाला म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए। भाई ये तो देखो ना, कंपेयर करोगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू तो यही आएगी ना, इसको डालेंगे सिर्फ हमारे पास थीटा की वैल्यू डालेंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू ऑफ वाई माइनस म्यू ऑफ आर इंटू ए। क्लियर है? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है?
आगे चल सकते हैं। अब जो आगे की कहानी होनी है वो हमारे पास होनी है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। किसकी कहानी होनी है? कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। ब्लर तो नहीं हो रहा है? कहीं पता पड़े? अरे अरे नीचे का तो दिख ही नहीं रहा। चलो कोई नहीं, इसको एडजस्ट कर देंगे, समझ तो आ ही गया है। चलिए ठीक है। अच्छा अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे आगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बेटा, सुनो। अच्छा बच्चा बस सारे कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमें आज देखना है कि जब प्रिज्म को हम लोग कंबाइन करते हैं तो हमारे पास लाइट में कैसे और क्या अंतर आ जाता है। देखो बेटा ये बात तो आप लोगों ने देखी थी क्लास 10th में कि जब हम लोग प्रिज्म को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास वैल्यू कैसे आती है, राइट? ये बात तो हम लोगों ने देखी थी। अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप लोगों के पास ये आपका आ गया कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, एक ये हो गया, और मैंने कुछ दूरी पर ऐसे एक दूसरा प्रिज्म लगा दिया, ठीक है। अब यहां से मैं आपकी लाइट को भेज रहा हूं और लाइट को भेजने के बाद यहां पर नॉर्मल डालूंगा तो ये प्रिज्म की रे टुवर्ड्स द बेस जाएगी। यहां से नॉर्मल डालूंगा तो डेंसर से रेयर पे जाने पर क्या होगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहां पे नॉर्मल डालूंगा तो ये जाएगी तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है ना? सॉरी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये डेंसर से रेयर गई ना तो फिर ये टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये किधर जाएगी? ऐसा ही है, सही तो था, पहले से था सबसे पहले। ओ डेंसर से एयर जा रही है तो ये अवे फ्रॉम सबसे पहले। हाँ अब देखो अभी किधर जा रही है? रेयर से डेंसर, तो ये किधर जाती है? रेयर से डेंसर में किधर जाती है? बेस की साइड। नहीं बेस किधर जाती है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल तो जाती है ना फिर। हाँ तो ये आपके पास ये ऐसे जाएगी, ऐसे क्यों जाएगी? नहीं सुनो ध्यान, ये नॉर्मल समझ में आ गया, ये नॉर्मल समझ में आ गया। अच्छा अब यहाँ पर अगर मैं जो लाइट मारूंगा बेटा वो ध्यान सुनना कि जो इंसिडेंट रे ये मैंने क्या बोला था, प्रिज्म की कहानी हमारे पास जब भी बेंड होगी किस तरफ होती है? टुवर्ड्स द बेस होती है। अब ये लाइट की तरफ ही आ रही है, अगर मैं यहाँ पर ये नॉर्मल डाल देता हूँ, यहाँ पर ये नॉर्मल डाल रहा हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है? देखो ये नॉर्मल है तो ये अगर इस तरफ बेंड होगी तो हमारे पास कहानी क्या हो रही है? इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। और कहानी भी तो सही है, जब रेयर से डेंसर में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल ही तो बेंड होती है। बेटा हम लोगों ने ये कहानी से पढ़ रखी है, रेयर से डेंसर जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, तो ऐसे जो हमारी वैल्यू है सीधी नहीं जाएगी बेटा, ये मीडियम चेंज हो रहा है, समझ रहे हो? ये रेयर मीडियम था एयर और ये हमारे पास क्या है? डेंसर, ठीक है। तो कई बार कंफ्यूजन क्या रहता है बच्चे को कि सर टुवर्ड्स द बेस का क्या मतलब था, तो जब मैंने आपको पहले केस में बताया था उसमें तो आपको आराम से समझ आ गया होगा यहाँ पर, लेकिन ये वाला केस अब आपको ज्यादा से समझ में आया होगा कि टुवर्ड्स द बेस का क्या मतलब था। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना, जब भी लाइट प्रिज्म के अंदर बाहर से जाएगी तो हमेशा कहाँ जाएगी? वो टुवर्ड्स द बेस। टुवर्ड्स द बेस है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बात है क्या बेटा? देखो यहाँ पर भी एक्चुअली नॉर्मल इधर है, टुवर्ड्स द बेस है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे नॉर्मल बनाइए तो ये कहाँ जाएगी? अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि कुछ इस तरीके से क्या बेटा? हाँ इंसिडेंस, सेम इंसिडेंस वाला नहीं होगा, नहीं नहीं इस बार सुनो बिल्कुल सही बोला, सेम इंसिडेंस नहीं। कहानी ये थी इस बार इसका एंगल A1 था, इस प्रिज्म का एंगल A2 था, इस प्रिज्म का एंगल A1 था, इस प्रिज्म का एंगल A2 था। तो देखो बेटा इसके केस में जो डेविएशन आ रही है वो हमारे पास क्या आएगी? डेल्टा 1। इसी केस में हमारे पास जो डेविएशन आई वो हमारे पास कितनी आ जाएगी? डेल्टा 2। समझ रहे हो ना? अरे जो नॉर्मल डेविएशन होती है हमारे पास वो कितनी आती है? डेल्टा 2 आती है। लाइट ऐसे जाना चाह रही थी लेकिन अब इस मीडियम के ऐसे ऐसे चली गई तो डेल्टा 2 आ गया। हाँ डेल्टा 2 का बेस किससे नीचे है? हाँ दोनों थिन प्रिज्म। क्या बेटा डेल्टा 2 का बेस किससे नीचे? नहीं नहीं डेल्टा 2 का बेस नहीं खींचा, लाइट अगर ये नहीं होती तो ऐसे जाती ना, ये मीडियम के आने की वजह से डेविएट हो गई। तो बेटा लाइट ऐसे जाती तो ये डेविएट कितना हो, ये चीज निकालते हैं। देखो यहाँ पे भी तो निकला है, लाइट ऐसे जाती तो इस बेस से इसका कितना चेंज हुआ? डेल्टा 1। समझ में आया? और ऐसी लाइट ऐसे जा रही थी पर ये ऐसे चली गई ऊपर, चेंज आया तो डेल्टा 2 हो गया, क्लियर? अब जो आपके पास ओवरऑल डेविएशन आएगी
यहाँ पर ध्यान से देखो, मैंने आपको ही बताया था जब चीजें डेविएशन सेम डायरेक्शन में हो तो माइनस करते हैं ऐसा बताते हैं, और जब ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो प्लस करते हैं ऐसा बताते हैं। लेकिन नहीं, हमें ओवरऑल डेविएशन क्या रखना है, हमेशा माइनस रखना है बस। सॉरी आई टेक माई वर्ड्स बैक, ओवरऑल डेविएशन हमेशा प्लस रखना है, लेकिन माइनस क्यों यूज करते हैं ये चीज समझते हैं। एक्चुअल में अगर आपको यहाँ पर A1 और A2 में एक चीज दिखाई दे रही है, वो क्या चीज दिखाई दे रही है कि A2 प्रिज्म उल्टा रखा हुआ है, और A2 प्रिज्म उल्टा रखा हुआ है इसलिए उसके जो वैल्यू आएगी डेविएशन की वो नेगेटिव रखी जाती है, क्योंकि वो इन्वर्टेड रखा हुआ है। एक तरफ जा रहे हैं तो माइनस कर दो, ठीक है चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो कॉन्सेप्ट है वो ये, ठीक है, क्योंकि ये इन्वर्टेड रखा हुआ है। अच्छा, ओवरऑल डेविएशन आपके पास आएगा Δ1 + Δ2, बट क्योंकि ये इन्वर्टेड रखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू Δ1 - Δ2, वही रहते Δ1 + Δ2 ही लेंगे। हाँ बेटा, ओवरऑल डेविएशन हमेशा ये होगी, विद साइन चल लो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, ओवरऑल डेविएशन हमेशा प्लस ही होगी, बस जब हमारे पास इन्वर्टेड प्रिज्म रखा है तो हम लोग ये कर देते हैं Δ1 - Δ2, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारे पास ओवरऑल डेविएशन ही आ जाएगी। अब देखो जरा ध्यान से, अगर आपके पास Δ1 की वैल्यू कितनी आएगी, क्या आए थे बेटे हमारे पास Δ1 की वैल्यू क्या आई थी, A μ-1। अब इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमारे पास μ1 होगा, और इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अगर μ2 होगा तो हमारे पास कहानी क्या हो जाएगी, Δ1 = A1 जो इसका प्रिज्म का एंगल है, इनटू μ1 जो इस प्रिज्म का है -1, है ना, और Δ2 क्या हो जाएगा हमारे पास A2 μ2 - 1। समझ में आया, तो हमारे पास जो ओवरऑल डेविएशन आ जाएगी डेल्टा वो कितना आ जाएगा, A1 of μ-1 - A2 of μ2 - 1। समझ में आ गया, तो ये ओवरऑल डेविएशन की वैल्यू ये आती है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो माइनस क्यों आ रहा है आपको समझ में आ जाएगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। वेल नेक्स्ट थिंग इज आपके पास कंडीशन फॉर नो डेविएशन। अब क्या हो रहा है आपके पास, कंडीशन फॉर नो डेविएशन, यानी कि अगर आपके पास कोई भी डेविएशन नहीं हो रही है, इस बात का क्या मतलब है, ये वैल्यू क्या है आपके पास, जीरो, भाई डेल्टा की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और अगर ऐसे केस में आपके पास डेल्टा की वैल्यू जीरो है तो इस बात का मतलब क्या आप ऐसा नहीं कह सकते, A1 into μ1 - 1 = A2 into μ2 - 1, चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। आपसे पूछ जाता है कि इसका एंगल कितना होगा, तो कंडीशन फॉर नो डेविएशन है कि लाइट डेविएट ही नहीं हुई, जब डेविएट नहीं होगी हमारे पास तो उस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चा बताओ, A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A2 = A1 of μ1 - 1 upon μ2 - 1। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है, क्लियर है, यानी कि यहाँ पे लाइट हमारे पास क्या हुई, कोई भी डेविएट नहीं की गई है। एक्चुअल में ये जो हमारे पास है सर कहते हैं डिस्पर्स तो हुई है, लाइट डिस्पर्स तो हुई है लेकिन बिना किसी डेविएशन के साथ, सच दैट कि आपके पास डेल्टा एंगल जीरो, तो इसे हम लोग बोलते हैं डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। क्या बोला हम लोगों ने, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। अगर मैं ऐसी कहानी सुनाऊं कि ये कैसे होती है एग्जैक्ट, तो कुछ ऐसा समझिए, ये क्या है हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, लेट से हमारे पास ये A1 है और लेट से मेरे पास A2 है, ये वाला जो एंगल है मेरे पास कितना आ गया A1 है और ये A2 है। अब मुझे अगर आप लोगों को डेविएशन दिखाना है, क्या दिखाना है, डेविएशन दिखाना है, तो मैं कैसे दिखाऊंगा, मैं यहां पर पहले तो लाइट मारूंगा और ये लाइट की रे होगी प्रिज्म से टकराते क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी, और स्प्लिट कैसे कैसे होगी, रेड और वॉयलेट के केस में स्प्लिट होगी, लेकिन डेविएशन कम किसका होता है रेड का, तो रेड ऊपर रहेगी और वॉयलेट हमारे पास क्या रहेगी, नीचे रहेगी। तो कहानी कुछ इस तरीके से आएगी कि रेड और वॉयलेट, ठीक है। अब डेविएशन जीरो करनी है मुझे, तो डेविएशन जीरो करने का मतलब क्या होगा कि भाई जो कहानी इधर हुई है वही कहानी इधर होनी चाहिए उल्टी, लेकिन अगर इसमें रेड नीचे गया है उल्टे बनेंगे, तो हाँ रेड ऊपर जाएगा, और अगर वॉयलेट, क्योंकि हमारे पास डेविएशन जीरो चाहिए ना मुझे, तो ये कॉम्बिनेशन ऐसा है प्रिज्म का जहां पे हमारे पास, हाँ बेटा मतलब इसका कहानी का देखो, ये नीचे जा रहा है तो ये रेड का इस बार ऊपर जाएगा
सॉरी नहीं वही तो कह रहा, वॉलेट ऊपर बन, वॉलेट नीचे जा रहा है ना, वॉलेट ऐसे बनेगा और रेट ऐसे बनेगा, समझ में आ रहा है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वॉलेट इस बार ऊपर बन जाएगा और रेड थोड़ा सा नीचे बने, और जब बाहर राइट लाइट निकलेगी वो हमारे पास ये वाली निकलेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ऐसे ये वॉलेट और ये रेड, देखो आधे टाइम क्या था हमारे पास कि आपके पास ये वाली लाइट कौन सी थी, रेड, रेड ऊपर थी, वॉलेट नीचे थी, लेकिन जब निकली तो हमारे पास क्या हुई, वॉलेट ऊपर और रेड नीचे, इसका मतलब कोई भी डेविएशन नहीं हुई है, इसका मतलब कोई भी डेविएशन नहीं हुई है। तो ये कंडीशन होती है जब आपके पास क्या होती है, डिस्पर्स तो हो रही है लाइट, देखो डिस्पर्स का मतलब सात कलर में तो निकल रही है, लेकिन कोई डेविएशन आप लोगों को शो नहीं हो रही है, यहाँ पर आप लोगों को कोई भी डेविएशन शो नहीं हो रही है, समझ में आया? अब उल्टा भी कर सकते हैं हम लोग, दूसरे एंड डालिए डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, यहाँ पे कर देता हूँ, क्या कर रहा हूँ, डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, यानी कि इस बार क्या हो जाएगा, डेविएशन तो होगा, डेविएशन तो होगा, लेकिन इस बार डिस्पर्शन नहीं होगा, यानी कि लाइट बाद में मिलके क्या हो जाएंगी हमारे पास, एक हो जाएंगी, राइट। ये देखो इस बार कहानी, ये और यहां से बिल्कुल एक कॉम्बिनेशन, देखो मैंने आपको तीन तरीके कॉम्बिनेशन दिखा दिए, एक तो ये जहां पे हमारे पास क्या है, जहां पे कोई भी डेविएशन नहीं हो रहा, एक ये जो अलग अलग मीडियम में है ना, इसी का स्पेशल केस है ये, तो मैंने इसे चिपका दिया नो डेविएशन, और अब तीसरा केस बता रहा हूं, इसमें डिस्पर्जन नहीं होगा लेकिन डेविएशन होगा, क्या होगा बेटा, डेविएशन होगा पर डिस्पर्जन नहीं होगा, तो कहानी तो वही रखनी है, इसको ए मान लेते हैं, ए वन मान लो, इसको ए टू मान लो, इसको म्यू वन और म्यू टू, हाँ बेटा एंगल अलग है, ए वन और ए टू अलग अलग एंगल है, प्रिज्म थिन ही है लेकिन एंगल अलग अलग है, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों की लाइट ली, अब लाइट क्या है, स्प्लिट करेगी ऐसे, ये कौन सी है, ऊपर वाली रेड है, अब लेकिन यहां पर जब जाएगी तो ये ऐसे जा रही होगी, ये ऐसे, ताकि जब निकलेगी तो ये ही, तो क्या लाइट डिस्पर्स हुई कहीं पे भी, आपको लाइट डिस्पर्स होती हुई नहीं दिखेगी भाई, सीधा व्हाइट लाइट आई, व्हाइट लाइट आ गई तो डिस्पर्स क्यों हुई, डिस्पर्जन का मतलब क्या था, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इन टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, लेकिन यहां पर तो हमारे पास कोई भी कलर आया ही नहीं, नहीं बेटा एंगल अलग, वो आपको लग रहा है, मैंने बता दिया कि प्रिज्म के एंगल अलग है, हाँ सेम केस सेम ही रहता है, मैं आपको बता रहा हूँ दो अलग अलग केस रख सकते हैं, और एंगल पे डिपेंड कर रहा है ना, एंगल पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, एंगल बदल तो हो जाएगा काम, ये जरूरी नहीं है कि आप लोगों को प्रिज्म भी अलग अलग रखने हो ना, कोई कंपलसरी नहीं है, हैं हाँ इंसिडेंट पे ही फर्क पड़ेगा, कौन सा वो बताएगा आपको, केस कौन कौन से हैं, विदाउट डिस्पर्जन है या फिर विदाउट डेविएशन है, और केस कैसे पता पड़ेगा, अभी थोड़ी देर में करा रहा हूँ आपको, दोनों में डेविएशन तो हमारे पास आ ही रही है ना, अब भाई इसे कैसे, हमारे पास नेट डेविएशन क्या हुई थी, जीरो हुई थी, दोनों का केस है नेट डेविएशन, पर इसे कैसे हमारे पास कोई ना कोई क्या आएगी, डेविएशन आएगी। अब देखो यहाँ पर ये वाली जो एंगल है ये आपके पास इस बार डेविएशन, देखो यहाँ से गया और ये आया, ये वाला जो एंगल है ये डेविएशन एंगल है, लेकिन यहाँ पर देखो लाइट भी ऐसे जाएगी, इसमें कोई ज्यादा डेविएशन आपको नहीं दिखाई देगा, डिस्पर्शन हो गया लेकिन कोई डेविएशन नहीं है, इसमें ढंग से फिगर बनाते इसी लाइन के ऊपर पहुंच जाते मीन वैल्यू पे, मतलब ये वाली लाइन जो पड़ती है वॉयट और रेड के बीच में आते कहीं मीन वैल्यू पे येलो पे, यानी कि इसका मतलब कोई भी हमारे पास डेविएशन नहीं हुई होगी, लेकिन यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है पूरा का पूरा डेविएट हो गया है, और यहाँ पर जो डेविएशन का एंगल निकलेगा वो हमारे पास कैसे निकालेंगे, आपको मैंने बता दिया है, देखो दो प्रिज्म है, दो प्रिज्म है बेटा, इस वाले में से जो हमारे पास डेविएशन हुई होगी वो हमारे पास ये हुई होगी, और इस वाले में जो डेविएशन हुई होगी वो हमारे पास ये हुई होगी, है ना। तो देखो पहले वाले केस में टोटल डेविएशन क्या होता है, ओवरऑल तो हमेशा क्या रखना है हम लोगों ने, पॉजिटिव, बट क्योंकि ये उल्टा रखा हुआ है इसलिए लास्ट में नेगेटिव कर दूंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां पर कहानी देखो, यहां पर कहानी क्या थी, क्या आपको कहीं पर भी कलर की वैल्यू दिखाई थी, यहां पर बस म्यू वन और म्यू टू जो मटेरियल का था वही दिखाई दिया आपको, यहां पर था ही ना कुछ ऐसा मटेरियल का आपको म्यू वन और म्यू टू दिखाई दिया, लेकिन यहां पर देखो अब इसे केस में डेविएशन आएगी भाई, यहां पे रेड और वायलेट का अलग डेविएशन है, यहां पे रेड और वायलेट का अलग डेविएशन है, तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा वन कितना आ जाएगा, ए वन इंटू म्यू आर माइनस म्यू बी, ए वन इंटू म्यू आर माइनस म्यू बी, और जो दूसरा है डेल्टा टू वो कितना हो जाएगा, ए टू इंटू म्यू आर माइनस म्यू, ओवरऑल इन दोनों को प्लस कर देंगे
तो आपके पास क्या बेटा? सॉरी v माइनस r ही होगा, ठीक है बेटा, क्लियर है? तो यहाँ पे डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू करेंगे तो हमारे पास आएगा ए वन इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर प्लस ए टू इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर। समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं, पिछला वाला है। अब देखिए आगे इसको सॉल्व कर रहा हूं, आगे मैं सॉल्व कर रहा हूं तो अगर कुछ भी नहीं हुआ होता, अगर कोई डेविएशन नहीं होती तो हमारे पास ये नेट वैल्यू जीरो आ जाती। ये केस लेके चल रहा हूं, तो अगर इसी केस में फॉर नो डेविएशन अगेन ए वन इंटू म्यू टू म्यू वी है म्यू वी माइनस म्यू आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए टू इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर। ये कहानी आ गई, ये कहानी आ गई, क्लियर है भाई? अगर डेल्टा जीरो हुआ होता तो हमारे पास ये कहानी आ जाती अगेन, वही तो केस देखना है हमें। अब यहां पर हम लोगों को छोटी सी बात है, माइनस साइन क्या मैं कंसिडर करूंगा? आप लोग कहना नहीं, क्योंकि सर ये माइनस साइन आ रहा है ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका जो प्रिज्म रखा था ये उल्टा, ये माइनस साइन बस ये इंडिकेट कर रहा है। तो इस बार जो इसका एंगल आएगा ए टू, इसके केस में आप लोग कैसे निकालेंगे? ए टू इज इक्वल टू ए वन बाय म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वी माइनस। तो बेटा बस ये कुछ भी नहीं है, सिंपल सा ये कहानी है, एक ये कहानी है, दोनों केस मैंने आपको निकाल के दिखा दिए। ये किसका है? डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, ये वाला, और ये किसका है? डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, ठीक है? तो ये दो केस बनते हैं, ये आपको आई होप समझ में आ गए होंगे, क्लियर है? अब इसके ऊपर कहानी पता है कैसे दे देगा? कहेगा एक थिन प्रिज्म है जिसका एंगल 10 डिग्री पे है, राइट, और दूसरे का बताओ कितना होगा। अगर रेड लाइट आपको म्यू दे रखा है, रेड लाइट का म्यू इज इक्वल्स टू 1.4 और वायलेट लाइट का जो म्यू दे रखा है 1.5। क्वेश्चन बहुत टफ लगेगा लेकिन जब हमने पढ़ लिया तब क्या बचा कुछ इसमें, सीधा फॉर्मूला लगाना है आंसर आ जाएगा। आपसे पूछेगा बताओ डिस्पर्सिव पावर कितनी है, अगर आपके पास वॉयलेट लाइट की जो वेव है, वॉयलेट लाइट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 है और रेड की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.3 है। अब बताओ इसका डिस्पर्सिव पावर कैसे बताएंगे? तो देखो बेटा यहाँ पर डिस्पर्सिव पावर में आप लोग हो सकता है, हाँ इस क्वेश्चन को समझा दें, मैंने क्या पूछा आपके पास डिस्पर्सिव पावर कितनी होगी अगर आपके पास वॉयलेट और रेड दे रखा है, तो ठीक है हमें घबराना नहीं है, एग्जैक्टली दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई टू कर दीजिए। तो ये हमारे पास निकल गया किसका? म्यू ऑफ येल्लो, भाई म्यू ऑफ येल्लो ही था आर प्लस वी बाई टू, तो 1.4 आ गए, है ना? और जो आपको ओमेगा निकालना था वो रेशियो इसका ही तो था म्यू आर माइनस म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई, भाई ओमेगा ये सिखाया था मैंने म्यू वी माइनस म्यू आर बाय म्यू येल्लो, हाँ नीचे ला, ठीक है आगे कहानी क्लियर? तो भैया ये कहानी रहती है आप लोगों के पास छोटी सी जो आगे किससे रहती है, डिस्पर्जन से रिलेटेड, प्रिज्म से रिलेटेड, प्रिज्म से रिलेटेड, और कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं है जो मैंने आपको ना कराई, ठीक है? मतलब ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अब जब बड़ी क्लास में जाओगे वहाँ पढ़ोगे, 11, 12 और JEE और नीट के हिसाब से भी आप मान के चल लो कि लगभग लगभग हमारा प्रिज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, ठीक है? अब हम लोग आगे चलते हैं रिफ्रैक्शन, इस पर रिफ्रैक्शन चल ही रहा है, बट इस बार हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। क्या पढ़ने जा रहे हैं? रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। अब देखो बेटा रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस में आप लोगों के पास एक बुक में 6-7 केस बनेंगे, और अगर मैं 6-7 केस की डेरिवेशन कराने लगा तो बेटा डेरिवेशन हर बार सेम आएगी, इसलिए मैं आपको एक केस बता दूंगा उसी से आप लोग सारी डेरिवेशन निकाल लेना, और तरीका क्या रहेगा डेरिवेशन को सॉल्व करने का ये मैं आपको समझा दूंगा, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा ये समझा दूंगा, ठीक है? तो इसी चीज़ को फोकस करते हुए आप लोग देख लें बस, बाकी कुछ और भी नहीं करना है। हाँ एक डेरिवेशन मैं करा देता हूँ, एक डेरिवेशन मैं करा देता हूँ, उसको ध्यान से देखिए। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस है, ये डाल दीजिए, या स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये डाल दीजिए। देखो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस में आपके पास ये कहानी रहेगी कुछ कि भाई बाहर तो एयर है, इसके अंदर का ये जो पूरा मीडियम है हमारे पास क्या है? किसी दूसरे चीज का है, बेशक लेंस मान लो या कुछ भी मान लो मुझे नहीं पता,
अभी तो मुझे पता है कि यहाँ पर रिफ्रैक्शन होना है, अभी तो मुझे सिर्फ इतना पता है कि यहाँ पर क्या होना है बेटा, रिफ्रैक्शन होना है। ठीक है, ठीक है। मैंने आपको बोला कि ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है, सारी चीजें बिल्कुल सेम रहेंगी, सारा डिस्टेंस कहाँ से नापे जाएंगे, यहाँ कहाँ, अच्छा यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रही है, बड़ा रिफ्लेक्शन रहे हो, चलो ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच बताने के लिए। अगर यहाँ पर रिफ्लेक्शन आ रही है तो फिर हम लोग उधर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इधर का कर लेंगे। ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा अपना पोल, और ये पूरी हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो आपके पास एक ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर रखा हुआ है, लेट्स से ऊपर आपके पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऊपर, ठीक है, जो बच्चे फोन चला रहे हैं ध्यान दें, और जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है अगर हम लोग इसको यहाँ से लाइट मारते हैं, ध्यान से देखें, यहाँ से लाइट मारते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास अब मीडियम ही म्यू वन है जो कि एयर है, और म्यू टू हमारे पास ग्लास है, कुछ भी है मुझे नहीं पता, कुछ है या सिंपल म्यू मान लूंगा, एक ही बात, राइट। सो यहाँ पर मैं बेटे नॉर्मल बनाऊंगा, और नॉर्मल बनाने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ हमेशा लाइन खींच देंगे तो वो आपका हमेशा क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा, राइट। अब ये सी पॉइंट दे दो, लाइट क्या होगी, ये लाइट की रे जा रही है एक्चुअली, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, एक तो ये आ गई। अब किसी भी रे डायग्राम को बनाने के लिए मिरर में हमने सीखा था कितने उसकी जरूरत होती है, दो रे की जरूरत होती है भैया, एक एंगल पे गई ऐसे निकल गई, और दूसरा जो हमारे पास बिल्कुल सीधी जाएगी तो विदाउट डेविएशन जाएगी, तो यहाँ पर मिल जाएगी, तो यहाँ पर कहीं पे हमारे पास क्या बन जाएगा, इसकी इमेज बन जाएगी बच्चे, क्लियर है। अब देखो लेट्स से ऑब्जेक्ट के साथ ये अल्फा एंगल बना रहा है, इमेज के साथ ये बीटा एंगल बना रहा है, और गामा जो बना रहा है उसके साथ बना रहा है ये डेल्टा, लिख दिया गामा लिखा हुआ किताबों में, इसलिए हम लोग गामा का इस्तेमाल, सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ बना, ठीक है। नॉर्मल के साथ ये वाला जो एंगल होगा ये मेरे पास इंसिडेंट एंगल होगा बेटा, इंसिडेंट एंगल होगा, यहां से जो मेरे पास एक पॉइंट है ये वाला है, पी पॉइंट हमारे पास पोल है, लेकिन मैं बता रहा हूं ओ पॉइंट ये दिया है, एम एन ले लेता हूं, चलो इसे एन और एन, ठीक है। एक्चुअल में ये जो पीओ है वो एमओ के इक्वल रहेगा, क्यों, क्योंकि हमने बहुत ही थिन लेंस ले रखा है, और ऐसे केस में उसका अपर्चर बहुत ही छोटा है, तो आप पी एम इक्वल टू पीओ लिख सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है, क्लियर। तो मैं यहाँ पे पहले ही दे रहा हूँ, जहां पर भी आपके पास पीओ की वैल्यू आएगी वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू पीओ होगी, और ये हो, ठीक है बेटा, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ऐसा करते हैं, समझ में आएगा ना रे डायग्राम कैसे बनाया, तो कोई दिक्कत पीओ इक्वल टू, हाँ पीओ इक्वल टू, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पर आप लोगों के पास एक ट्राइंगल ले लीजिए, पहला ये एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है, तो एनओसी ट्राइंगल में अगर आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाते हैं, क्लास थर्ड में पढ़ी होगी कि अल्फा प्लस गामा का सम आई के इक्वल आ जाएगा, इन ट्राइंगल अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू चलेगा, और ऐसे ही अगर आप ये एंगल कौन सा है, रिफ्रैक्टेड एंगल बनेगा, और ट्राइंगल अगर आप एन आई सी लेंगे तो इसमें आएगा बीटा प्लस आर इज इक्वल टू गामा, और हमें तो आर चाहिए, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, गामा माइनस बीटा, चलेगा गामा माइनस बीटा, यहां तक बताइए किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो, क्लियर है। अब इस सरफेस पे मैं क्या लगा देता हूं अपना स्नेल्स लॉ अगर मैं लगाऊंगा तो क्या आएगा बेटा, म्यू वन साइन आई किसके इक्वल है, म्यू टू साइन आर के इक्वल है, म्यू वन साइन आई किसके इक्वल है बच्चा, म्यू टू साइन आर के इक्वल है, और अगर ऐसा है तो म्यू वन तो एयर है और साइन आई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई है, क्योंकि सारी जो एंगल है वो हमने बहुत छोटे ले रखे हैं, मान के चलेंगे अल्फा बीटा गामा आर ये सब बहुत छोटे हैं, दे ऑल आर पैराएक्सियल, बहुत छोटे हैं, ठीक है। तो जो म्यू वन साइन आई है, इसको मैं म्यू वन आई ले लेता हूं, ठीक है, और यहां पे हमारे पास क्या है म्यू टू साइन आर, म्यू टू का मतलब बेटा मेरा म्यू से था, म्यू टू ऑफ साइन आर,
चलेगा। अब देखो बेटा आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अल्फा प्लस गामा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे म्यू वन, यानी कि जो एयर है, जो भी मीडियम है, मुझे मतलब नहीं, मेरे पास म्यू वन है, ठीक है, इसको म्यू टू ही मान लो यार, तुम्हारी किताब में म्यू टू दे रखा है, ठीक है बेटा। कितने टू लगाओगे? अरे ठीक है बेटा, आई की वैल्यू क्या आएगी बेटा, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल्स टू म्यू टू, आर की वैल्यू गामा माइनस बीटा, ठीक है। अब देखो बेटा अल्फा बीटा और गामा आपको लेने हैं, क्या क्या लेना है, अल्फा बीटा और गामा, और ट्रायंगल ले रहा सारा। पहले अल्फा के लिए देखो ये एन पी ओ, इन ट्रायंगल एन पी ओ, यहां पर आप टेन अल्फा निकाल लीजिए, टेन अल्फा बराबर हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू पी बाई बी, एन पी अपॉन ओ पी, क्लियर बेटा। सिमिलरली टेन बीटा निकाल लेंगे तो एन पी अपॉन पी आई, और टेन गामा इज इक्वल्स टू एन पी अपॉन पी सी, टेन गामा इज इक्वल्स टू एन पी अपॉन पी सी, यहां तक कोई डाउट? कौन सा बेटा, एन एम ओ, तो बेटा मैंने क्या बोला था, एम और पी बराबर है, मैंने बोल रखा है यहाँ पे भी एम और पी बराबर है, तभी तो मैं बता रहा हूँ, तुम लोग सुनते ही नहीं है मेरी बातों, चलाए सुनना है, चले जाते हो। टेन अल्फा आपके पास एंगल छोटे हैं तो अल्फा के इक्वल हो जाए, तो ये सारी वैल्यू सिर्फ अल्फा की, बीटा की, गामा की हो सकती हैं, क्योंकि एंगल काफी छोटे हैं बेटे सारे। अब अगर ऐसी चीज हमारे सामने हो रही है तो यहाँ पर जो वैल्यू है अल्फा की, इसकी वैल्यू डाल दीजिए, तो म्यू वन इंटू, मतलब ये जो वैल्यू है अल्फा बीटा की वैल्यू की, पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा इन इक्वेशन फर्स्ट, और ये है मेरी इक्वेशन फर्स्ट, कौन सी ये वाली, ठीक है, तो म्यू वन इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा, एन पी बाई ओ पी, प्लस गामा, गामा की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास, एन पी बाई पी सी, इक्वल टू म्यू टू, गामा की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी है, एन पी बाई पी सी, और ऐसे ही हमारे पास बीटा की वैल्यू कितनी है, एन पी बाई पी आई, लेकिन ये माइनस का है, एन पी बाई पी आई, यहां तक किसी बच्चे को डाउट, एन पी सब में कॉमन आ रहा है, उड़ा दू दोनों तरफ, तो वन लिख देता हूँ, म्यू वन वन अपॉन ओ पी की वैल्यू है, OP, OP बराबर है OM के लगभग, तो OP क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है पोल से, OP क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास देखो लाइट की इंसिडेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन है, इंसिडेंट लाइट इधर जा रही है, सारे डिस्टेंस पोल से नापेंगे तो इधर है, तो नेगेटिव ले लेंगे तो आ जाएगा माइनस ही, प्लस एन पी की जगह वन आ गया, पी सी देखना बेटा, पी सी क्या है हमारे पास बताओ, पी सी की डिस्टेंस क्या बोलोगे, आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ही तो है आर, क्लियर, इज इक्वल्स टू म्यू टू, एन पी जगह पे वन हो गया, पीसी देखने जरा, पीसी कितना है, वन अपॉन आर, तो आर प्लस का ही है, माइनस एन पी बाई पी आई, एन पी तो वन है, पी आई देखो बी बेटा, इमेज ही तो बनी है इसकी सेंटर, ये इमेज ही तो है, ये बी है मेरे बच्चे, ये आर है मेरे बच्चे, और मेरे बच्चे यू है, ठीक है, तो यहां पे हमारा आएगा वन अपॉन वी, समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है, तो यहां पे कितना आएगा, म्यू वन बाय माइनस यू प्लस म्यू वन बाय आर इज इक्वल टू म्यू टू बाय आर माइनस म्यू टू बाय वी, इसको इधर लेके आ जाऊं और इसको इधर लेके चले जाऊं, ये आ जाएगा आपके पास फाइनल फॉर्मूला, म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू is equals to mu2 minus mu1 by r, ये आपके पास बन रहा। देखो आप लोग जब भी किसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे, कैसे केस में, जब भी लाइट किस में जा रही है, रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो आप लोग इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल कीजिए बस, क्या mu2 by b minus mu1 by u is equals to mu2 minus mu1 by r, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे,
अब बच्चे बड़ा कंफ्यूज होता है सर म्यू टू किसको ले म्यू वन किसको ले क्या क्या कुछ नहीं। मैं तुम्हें एक ट्रिक दे रहा हूं कि म्यू वन मीडियम वो है सोर्स ऑफ लाइट। म्यू वन मीडियम क्या है बेटे आपके पास सोर्स ऑफ लाइट और म्यू टू मीडियम क्या है सिंक ऑफ लाइट। यानी कि म्यू वन हमेशा आप वो लेंगे जहां से लाइट जा रही है और म्यू टू हमेशा लेंगे जहां पे लाइट जा रही है। सोर्स और सिंक पता है ना कार्नोट इंजन पढ़ के आए हो 11th से उसमें एक सोर्स था जहां से चीजें जाती थी सिंक था जहां पे चीजें जाती थी तो सोर्स जहां से जा रही है तो यानी कि म्यू वन मीडियम कहां होगा ये वाला म्यू वन मानूंगा। अगर लाइट अंदर से जा रही तो मैं म्यू वन मीडियम इसको मान लेता फिर समझ में आ रहा है। तो जहां से जा रही है और जहां पर आ रही है ये कहानी हमारे पास रहने वाली है। तो इस तरीके से आप लोग आराम से कर लेंगे म्यू वन म्यू टू तो कोई दिक्कत भी नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन दिया था उसमें क्या दिया था बताऊं ऐसे दिया था एक स्फेरिकल ग्लास और इस स्फेरिकल ग्लास में इसके सेंटर से जो कि हमारे पास कितनी दूरी पर है 15 सेंटीमीटर फ्रॉम वन साइड सेंटर पे है 15 सेंटीमीटर फ्रॉम वन साइड उससे 5 मीटर पीछे उससे सॉरी 5 सेंटीमीटर पीछे सेंटर से मान लेता हूं एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। यानी कि सेंटर से ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा हुआ है 5 सेंटीमीटर। आपसे पूछा जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से बताइए कितनी दूरी पर आपका इमेज ऑब्जर्वर को दिखेगा जो कि फर्स्ट फेस से देख रहा है और दूसरा जो कि सेकंड फेस से देख रहा है। सर ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया था अभी कुछ दिन पहले जब आपने कराया था उसमें ऐसे था कि ये यहाँ पे डॉट की पोजीशन है इससे इधर दिखी थी हमने ले लिया था आर और ये 100 माइनस एक्स ऐसा कुछ क्वेश्चन हमने कराया था। ये तो सर वही क्वेश्चन है तो हम कर लेंगे आराम से नहीं इसको आप आराम से नहीं कर पाएंगे। एक्चुअल में वो जो आपको मैंने लेटरल शिफ्ट का पोजीशन क्वेश्चन कराया था वो हमेशा लगती है केवल और केवल पैरेलल स्लैब में। यानी कि जब आपके पास पैरेलल स्लैब दिए होंगे आप उस फॉर्मूले को केवल तभी यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर पैरेलल नहीं है यहाँ पर सरफेस कैसी है रिफ्रैक्टिंग स्फेरिकल सरफेस है और रिफ्रैक्टिंग स्फेरिकल सरफेस के लिए आप लोगों को इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमें भार कुछ दिया है नहीं दिया तो भार का मीडियम हम लोग क्या मान लेंगे और क्या बोला था ग्लास के अंदर हमें ऐसा दिख रहा है तो ये ग्लास है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने आपको पहले बता रखा है याद होना चाहिए 1.5 ठीक है। अब देखो कैसे करना है म्यू टू मुझे नहीं पता लेकिन ये पता है कि जहां पर जाएगी वो म्यू टू है तो लाइट जो है ऑब्जेक्ट चली होगी तो लाइट इसके लिए यहां से जा रही होगी और यहां पर कहीं दिखी होगी तो बेसिकली ये तो म्यू टू है और ये म्यू वन माना जाएगा। मैंने तो कहा देखो म्यू वन हमेशा एयर को लेंगे ऐसा कॉन्सेप्ट गलत है जहां से लाइट चलेगी वो म्यू वन ले लेना कभी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। लेकिन अगर म्यू वन और म्यू टू को अलग अलग लेने की कोशिश कर ली रटने की कोशिश कर ली कि म्यू वन एयर रहेगा हमेशा ना जहां से चलेगी वो मेरे पास क्या है म्यू वन तो यहां पे मेरे पास म्यू वन आ गया अच्छा अब देखो म्यू वन हमारे पास ये म्यू टू क्या है हमारे पास एयर बाय वी वी तो निकालनी है बेसिकली हमें तो हमारे पास आ जाएगा म्यू टू जो कि एयर है तो मैं लिख रहा हूं 1/v माइनस म्यू वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ठीक है देखो तो माइनस 1.5 अपॉन यू यू कितना आ जाएगा बेटा 20 बेटा 15 तो ये था ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर और दूर रखा है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो कितना आ जाएगा माइनस 1.5/20 ठीक है। अब ये गलती मत कर देना बेटा मैंने आपको क्या बोला था ये जो फॉर्मूला आया है इसको आप लोग ध्यान रहे बहुत इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल बिल्कुल ना भूल जाना अगेन आंसर गलत आ जाएगा माइनस बीस तो ये माइनस बीस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तुम खुद कर लेना ठीक है। इज इक्वल्स ध्यान सुनो आपके पास आएगा म्यू टू यानी कि एयर था म्यू टू क्या था तो ये कितना आएगा 1 माइनस म्यू वन कितना आ रहा था 1.5 बाय आर कितना दे रखा है 15 दे रखा है बेटा सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा प्लस आ जाएगा तो 1/v प्लस 1.5/20 इज इक्वल टू 0.5/15 1 माइनस 1.5 सही तो है माइनस का आ जाएगा ये डल जाएगा तो नेट वैल्यू क्या होगी माइनस की आएगी भाई आपके पास 1/v इज इक्वल टू माइनस का 0.5/15 माइनस का 1.5/20
दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 60, तो 15 चौक 60, 5 चौक 20, तो आ जाएगा माइनस 2, 20 तिया 60, 15 तिया 45, 4.5, तो कितना आ गया माइनस का 6.5/60। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये हमारे पास 1/v की वैल्यू आई है, पॉइंट हटाओगे तो कितना आ जाएगा 0, तो 1/v इज इक्वल्स टू, सॉरी v इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 600/65, और ये कितना आ जाएगा 9 पॉइंट समथिंग आएगा, कोई 9 पॉइंट समथिंग आएगा ना, अरे यार 650 धाम 650 हो गए, ठीक है, मतलब 9 से समथिंग जाए 654, तो ये 9 पॉइंट समथिंग जो भी है, तो ये आपके पास v की वैल्यू आ गई। अब ध्यान सुनो, ये आंसर गलत हो जाएगा, जो आपका आंसर आया वो v आया इस पॉइंट से 9 पॉइंट समथिंग, यानी कि आपको जो इमेज दिखेगी वो इससे दिखेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए आप क्या करेंगे 15 को प्लस कर देना, क्या बोला था उसने, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो इमेज कहाँ दिखेगी ये पूछा था, जो आपका आंसर आया ना v, जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे पास यहां से और यहां तक की, सपोज करो यहां तक आया, इससे इधर 9 सेंटीमीटर आया सपोज, ये तो कहानी होगी, इसको इमेज तो डायरेक्ट दिखाई देगी ना, समझ में आ रहा है भाई इसको, तो 9 सेंटीमीटर जो है हमारे पास, लेट से 9 आई, ठीक है, तो इसको कितना दूर दिखेगी यहां से 15 और 9 24 माइनस 24, ये गलती मत कर देना, 9 सेंटीमीटर वी की पोजीशन, समझ में आया? अच्छा, लेकिन क्वेश्चन तो ये नहीं था, गलत कर रहे हैं कुछ, क्वेश्चन था कि फर्स्ट ऑब्जर्वर को इसके अंदर का एयर ड्रॉप एयर बल कहां दिखेगा, तो ये 9 सेंटीमीटर पर दिखेगा, 9 सेंटीमीटर कहां से, प्रिंसिपल एक्सिस से, गलत कर रहे हो, क्वेश्चन ये थोड़ी था, क्वेश्चन था यहां से कितना बनेगा, ये नहीं था, क्वेश्चन था कि फर्स्ट सरफेस से ऑब्जर्वर को बबल कहां दिखेगा, एयर बबल, तो ये यहां से 9 सेंटीमीटर दिखेगा, आई एम सॉरी, यहां से कहीं 9 सेंटीमीटर पे दिखेगा ये सपोज, तो इसको ये एयर बबल यहां पर दिखेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कितना हुआ 15-9 6 सेंटीमीटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर ये बना होगा, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, इसके लिए देखो आप, इसके लिए क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मूला सेम लगेगा ये μ2/v सब, लेकिन बस इस बार कहानी क्या हो जाएगी, देखो ये लाइट की रे ऐसे जाएगी और यहाँ कहीं दिख रही हो ऐसे कुछ जाएगी, तो μ1 तो सेम ही रहेगा ये तो, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बदल जाएगी, आपकी बार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी रहेगी, पोल से लेना है तो इसका बेटा कैसी 20 कर रहे हो, इस बार पोल ये आएगा ना बेटा, इस ऑब्जर्वर के पोल ये होगा 10 हो जाएगा भाई, ये अगर आपको 15 दे रखा है यही 15 होगा, तो ये 5 इधर चला जाएगा, तो ये 10 सेंटीमीटर हो गए ना, तो ये गलती मत कर देना, ठीक है, बाकी सारी कहानी सेम, जो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेनी होती है वो किस तरीके से लेनी होती है ये आपको पता रहनी चाहिए कि हाँ भाई ये जो कहानी बनेगी हमारे पास ये किस तरीके से बनती है, क्लियर है? अब ये हमारे पास सारे क्या थे, लेंस था, और जो इसका मैग्नीफिकेशन आप पढ़ते हो लेंस के, वो कैसे पढ़ते हो, एम इज इक्वल्स टू वी बाई यू, मिरर के लिए माइनस वी बाई यू होता है, लेंस के लिए वी बाई यू होता है, ठीक है, अब लेट्स से मैं इसको ऐसे सकता हूँ 1/u/1/v लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, यू के साथ कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, 1 का, म्यू 1 का था, तो बस 1 1 की जगह अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्लेस कर देंगे तो m1 इज इक्वल टू μ1/u/μ2/v, यानी कि जो इसका इसे कहते हैं लेटरल मैग्निफिकेशन ड्यू टू अ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, तो वो कितना आता है m इज इक्वल टू v टाइम्स μ1/u/μ2, ठीक है, इसके क्वेश्चन आप लोगों को कई बार डायरेक्ट मिल जाते हैं, तो ये हमारे पास किसका इंट्रोडक्शन था, रिफ्रैक्टिव सरफेस जो स्फेरिकल होंगे उससे कैसे कहानी आएगी, ठीक है, सबका बेटा वैल्यू यही आएगी, जहाँ से लाइट गई है उसके साथ वी, जहाँ से लाइट गई उसके साथ यू लेना है, जहाँ पे इमेज बनी उसके साथ μ2 लेना है, और हमेशा करना यही है μ2-μ1/2, बस। अब मैं इसको आपको 6 केस बना के कि भाई एक बार इमेज फॉर्म रियल है, एक बार बताऊं कि इमेज फॉर्म वर्चुअल है इसके पीछे, देखो उसके केस में क्या होगा, सारी कहानी सेम ही आ जाएगी, जैसे यहाँ पे इमेज लाइट गई तो ये यहाँ पे कभी मिलेगी नहीं, लाइट से कि ऐसे चली गई तो ये पीछे आके यहाँ पे नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे आई हो जाएगा, है ना, फिर कहानी वही रहेगी हमारे पास,
ना इसके अल्फा बीटा गामा सेम हो जाएगा, बस ये वाला बीटा किधर पहुंच जाएगा, इधर वही टेन बीटा लगा के सेम फॉर्मूला ही है, जहां से गई है वो हमारे पास ही, जहां से गई है सोचते ही जहां पे गई है यहां पर, लेकिन उसके साथ क्या लेना है वी, इस बार वी जैसे हमने पिछली बार प्लस का लिया था इस बार माइनस कर लेंगे बस, तो साइन कन्वेंशन का बस ध्यान रखना, जैसे उस केस में अगर मैं यहां पर लूंगा तो क्या हो जाएगा म्यू टू बाय माइनस वी हो जाएगा, क्योंकि अगर इमेज फॉर्म वर्चुअल बनती है तो क्या हो जाएगा भाई म्यू टू के साथ वी लेना है, तो म्यू टू तो ये है तो म्यू टू बाय माइनस वी माइनस म्यू वन बाय माइनस यू, यू तो उसी तरफ रखा हुआ है, इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर आर, इसको सॉल्व करना है। तो ये जस्ट जितने जितने आप लोग सॉल्व करते जाओगे उतने आपके क्वेश्चन और क्लियर हो जाएंगे, समझ में आ गई कहानी। तो यहाँ पर हमारे पास रिफ्रैक्शन का टॉपिक खत्म होता है, अभी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंस का भी ले लेते हैं, ठीक है। तो लेंस आप लोगों को पता तो है, देखो जो टेंथ क्लास की बातें थी मैं अभी सिर्फ वही कराऊंगा, है ना, और क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा और इसलिए मैं आपका ज़्यादा टाइम लूँगा, 10 मिनट और मान लो मैक्स, वो जो टेंथ क्लास की बातें थी मैं एक बार दोबारा से बस वो रे डायग्राम आपको बना के दिखा दूंगा और कैसे क्या रूल होते हैं ये बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग चले, क्योंकि फिर अगली क्लास शुरू करेंगे फिर वो पूरा एक घंटा खिंच जाएगा, तो बस लेंस के केस के और रे डायग्राम जो है वो हम लोग कर लेते हैं। बट पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो लेंस होता है उसका ऑप्टिकल सेंटर कौन सा पॉइंट होता है। तो आपके पास देखो ध्यान से, ये आपके पास लेट से एक लाइन गई, ठीक है, यहां से आपने लाइट मारी ऐसे, ठीक है, अब ये रेयर से डेंसर जा रही है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, और जब ये मीडियम जाएगी तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना। एक्चुअल में हम लोग ऑप्टिकल सेंटर कहीं पे भी ले लेते हैं, लेकिन ऑप्टिकल सेंटर की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो ये है, जब आपकी इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे पैरेलल हो जाएं, तो उस समय पर जो रिफ्रैक्टिंग वाली लाइन रही होगी प्रिंसिपल एक्सिस पर जहां मीट करेगी वो उसका ऑप्टिकल सेंटर होगा। अब आप ये बताओ क्या मेरा ऑप्टिकल सेंटर बिल्कुल सेंटर पे है? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो बॉडी का ऑप्टिकल सेंटर हो या लेंस का ऑप्टिकल सेंटर हो वो बिल्कुल उसी के सेंटर पे हो, ऐसा कहीं भी कंपल्शन नहीं है, ऐसा कहीं भी कंपल्शन नहीं है। तो ये इसका सेंटर बाहर भी है, हो सकता है इसके बाहर भी पहुंच जाता, हो सकता है ये प्रिंसिपल एक्सिस से यहाँ पे मिलती, समझ में आ रहा है ना, इसके अंदर इससे पहले कहीं पे भी हो सकता है, मतलब इससे पहले तो खैर नहीं होगा, तो इससे इधर 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 किसी पॉइंट पे हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि ऑप्टिकल सेंटर बिल्कुल सेंटर पे हो, नहीं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंस, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। ये वाला जो लेंस होता है बेटा इसे हम लोग कहते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस, क्या कहते हैं? बाई कॉन्वेक्स लेंस, जो आप लोग यूज करेंगे मेजरली वो यही करेंगे, इसे हम लोग क्या कहते हैं? बाई कॉन्वेक्स लेंस। अब देखो ये प्लेन सरफेस और ये कॉन्वेक्स सरफेस, इसे प्लेन सरफेस हो गया। अब ध्यान से सुनना, जो हमारे पास नेचर होता है वो कैसा होता है ध्यान सुनिएगा। कॉन्वेक्स लेंस आपके पास जो एज है उसकी वो क्या होंगी? थिन होंगी, और जो बेटा मिडिल पोर्शन है ये क्या होगा हमारे पास? थिक होगा, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स, क्या बोलते हैं बेटा? प्लेनो कॉन्वेक्स। यहां पर ध्यान से देखिए, ठीक है, अब ये समझ में आ गया। ऐसे आपके पास क्या आता है? कॉनकेव लेंस, जिसे आप बाई कॉनकेव बोलते हो, ठीक है, ये आ गया, इसे आप क्या बोलते हो? बाई कॉनकेव। सिमिलरली ये वाला क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? प्लेनो कॉनकेव। अब देखो कॉनकेव की खासियत, ये जो हमारे पास है एज पे क्या रहेंगी? थिक हो जाएंगी बेटा, और जो मिडिल पोर्शन रहेगा इनका क्या रहेगा? थिन हो जाएगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? नहीं है। अब अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं ये वाला लेंस कैसा है, तो आपका आंसर क्या है? चांद तो नहीं है बेटा, लेंस है, बनेगा तो ऐसे ही अब तुम तो चार बनवा रहे, मेरे से ज्यादा अच्छे तो लेंस बनेंगे। चल बन गया, कौन सा लेंस है बेटा? इसे हम लोग बोलते हैं कौन को कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्स कौन के? कौन को कॉन्वेक्स? कौन को कॉन्वेक्स? क्यों? पहले यह पढ़ा था मैंने एक बार,
ये हमारे पास कौन को कॉन्वेक्स हो, कौन को कॉन्वेक्स हो। अभी किसकी तरह बिहेव करेगा सुनो, जो नाम बाद में आता है उसी की तरह बिहेव करेगा, यानी कि दिस लेंस विल बिहेव एज कॉन्वेक्स लेंस। सर कैसे पता पड़ेगा? दिमाग से। एज पे थे ना, देखो मिडिल पे थे क्या, इससे में क्या पता पड़ जाएगा कि इट विल बिहेव एज कॉन्वेक्स। जहां में दोनों कॉम्बिनेशन होता है हम लोग क्या लेके चलेंगे कि हमारे पास एक सरफेस कॉन्वेक्स है और एक सरफेस क्या है हमारे पास कॉनकेव है। कौन सी कॉन्वेक्स है कौन सी कॉनकेव है, अगर इसका भी डाउट हो तो पीछे वाली हमारे पास क्या होगी कॉनकेव, जिसका ज्यादा बल जो है हमारे पास किसका रखा जाएगा कॉन्वेक्स का। ऐसे कॉन्वेक्स और कॉनकेव भी रखते हैं, क्या रखते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव, उसको कुछ इस तरीके से बनाते हैं। समझना तो पड़ेगा ही बेटा। यहाँ देखो ये कौन सरफेस है, कॉनकेव ही रहेगी, ये है तो कॉन्वेक्स ही, लेकिन ध्यान से अगर आप देखोगे तो इसका जो एज है ये कैसा है थिक और मिडिल कैसा है थिन, तो इसलिए हमारे पास क्या होता है कहानी इन सब लेंस की इंट्रोडक्शन होती है। ठीक है, अब क्या बेटा कॉन्वेक्स और कॉनकेव ये तो इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, मिरर इंडस्ट्री में यूज होंगे, रे ऑप्टिक्स चैप्टर में लेंस वगैरह में यूज होंगे, है ना, और बहुत सारी चीजें हैं इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होंगे, जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिनको हमें थोड़ा सा चेंज करके देखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से यूज करे जाते हैं। अच्छा, लास्ट जो आज का टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, रे डायग्राम। ठीक है, सिंपल से रूल्स हैं, क्या दोनों के लिए सेम चीज है, कोई भी लाइट जो पैरेलल होगी वो फोकस से निकलेगी, जो कॉन्वेक्स लेंस है इसका रियल फोकस होता है। ठीक है, अब यहां पर भी हमारे पास जो रूल्स थे तो मैं बस फोकस करा के आज खत्म कराता हूँ, अगली क्लास में 10 मिनट रूल्स कराता हूँ, आज सिर्फ क्या कराता हूँ रूल्स फोकस के बारे में इंट्रोडक्शन देता हूँ, क्योंकि फिर फोकस भी तुम्हें पता नहीं है। एक्चुअल में ये वाला जो फोकस है ये हमारे पास मेन फोकस है, माइनस नहीं बेटा प्लस, ये F2 है और ये मेन फोकस है। अब सुनो मेन फोकस क्यों है, दो फोकस होते हैं कॉन्वेक्स लेंस के, उसमें हमारे पास क्या होता है कि जो एक फोकस होता है वो होता है एक ऐसा पॉइंट जहां से अगर लाइट की रेज आ रही हैं, लाइट की रेज आ रही हैं और वो पैरेलल हो जाती हैं, तो ये हमारे पास बेसिकली F1 होता है जिससे कोई काम नहीं होता, जिससे कोई काम नहीं होता। फालतू में क्यों है, क्योंकि इसके पास दो स्फेरिकल, देखो कॉन्वेक्स लेंस ऐसे बना हुआ है ना दो स्फेरिकल सरफेस से, इसलिए इसके दो फोकस हो जाते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के कहानी ये है कि इसका तो हमारे पास कोई काम है नहीं, बस ये है कि हाँ तो एक पॉइंट पूछेगा तो ये एक ऐसा पॉइंट जहाँ से आपके पास क्या हो जाए लाइट की रेज निकलने के बाद पैरेलल हो जाए, तो वो हमारे पास क्या है, लेकिन जो मेन फोकस क्या होगा वो क्या होगा, जो पैरेलल रेज अगर कहीं से आ रही है वो जाकर जिस पॉइंट पे मिलेंगी वो हमारे पास क्या हो जाएगा हमारा एफ टू। समझ में आया? अब ऐसे ही कॉनकेव लेंस की अगर मैं बात करता हूं तो देखो कॉनकेव लेंस क्या होगा, लाइट गिर यहां से गई और यहां से कैसे हो जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा है, तो ये डाइवर्ज कर रहा नहीं, ये गलत हो गया, एक गलत हो गया, एक गलत हो गया। जब आपके पास कहानी इसकी उल्टी होती है, इसकी कहानी होती है कॉनकेव की, कि जो सारी लाइट है बेटा जो कि दूर से आ रही है, अब देखो इसका जो नॉर्मल बनेगा वो इस तरफ बनेगा बेटा, तो रेरा से डेंसर जाएगी फिर वेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर यहां पर जाएगी नॉर्मल बन जाएगा, इसका नॉर्मल इस तरफ बनेगा, देखा है ये डेंसर से रेरा विल वेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। समझ में आया? अब यार ये जो लाइट की रे ऐसे जाएगी, सिमिलरली यहां से भी कोई लाइट की रे आई होगी, ठीक है, तो इसका नॉर्मल इस तरफ बनेगा, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर यहाँ से एक और नॉर्मल डलेगा जो इस तरफ जाएगा, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये लाइट की रेस तो क्या हो जाएंगी हमारे पास पैरेलल हो जाएंगी, दूर भाग जाएंगी, तो कहीं मिलेंगी नहीं, तो लाइट को क्या कर रहा है डाइवर्ट कर रहा है, तो इसके लिए जो हम फोकस बनाते हैं क्या करते हैं इससे पीछे कर देते हैं लाइट की रेस में यहाँ से पीछे, तो इसका जो फोकस होता है ये कॉनकेव का, ये प्रिंसिपल फोकस बनाया था कॉनकेव, लेकिन कॉन्वेक्स का प्रिंसिपल फोकस उसके आगे होता है,
इसलिए कॉन्वेक्स का जो प्रिंसिपल फोकस लिया जाएगा वो क्या लिया जाएगा प्लस, और कॉनकेव का जो लिया जाएगा वो क्या लिया जाएगा माइनस। कॉन्वेक्स लेंस लाइट को कैसे कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, सारा एक पॉइंट पे लाके कन्वर्ज कर रहा है बेटा, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास क्या होगा कन्वर्जिंग लेंस होगा, और जो आपका कॉनकेव लेंस होगा वो आपके पास क्या होगा आपका डाइवर्जिंग लेंस होगा। ये कहानी थी, एक जो डायग्राम था जो अभी मेरे को याद सा नहीं पड़ रहा था वो यही है कि जो पहले से ही बना था इसमें, मतलब जैसे ये वाली जो कहानी है एक पॉइंट से जाकर पैरेलल हो रही थी, इसमें जो कहानी दिखाई है वो किस तरीके से दिखाई, वो देख, ये कह रहा था ऐसे कोई भी लाइट की रे जो फोकस को टारगेट कर रही हूं, जो फोकस को टारगेट कर रही हूं, तो फोकस को टारगेट करने के बाद क्या हो जाएंगी ऐसे, समझ में आया, तो फिर जाकर यहां पे रहेंगी सारी फोकस, लेकिन फोकस पर ना जाकर कैसे हो गई पैरेलल। तो ये वाला जो इसका फोकस है, ये वाला जो इसका फोकस है बेटा जहां पर लाइट के टारगेट कर रही है, ये इसका वर्चुअल फोकस, इस फोकस से हमें कोई काम कॉनकेव लेंस के लिए नहीं है। तो हम लोग कॉनकेव लेंस के लिए कौन सा फोकस लेंगे नेगेटिव साइड वाला, और कॉन्वेक्स लेंस के लिए कौन सा फोकस लेंगे पॉजिटिव, और बाकी सारे जितने भी साइन कन्वेंशन हैं उनको हम लोग एज इट इज ही इस्तेमाल करेंगे जैसा कि हम लोगों ने किया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में लेंस मेकर्स फॉर्मूला वगैरह सब कुछ हम लोग कर लेंगे, लेंस फॉर्मूला, थिन लेंस फॉर्मूला, रे डायग्राम वगैरह सब कुछ हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।